जा रहे हैं वो हम पैटर्न से बनाएंगे और देखेंगे कि सिर्फ एक चीज लेके भी हम पैटर्न से कितना वेरिएशन ला सकते हैं। उसके लिए सामान चाहिए, वो है एक शीट, कलर, ब्रश, पेंसिल, इरेजर और एक मार्कर, और रफ कपड़ा हाथ को ब्रश पोंछने के लिए। यहाँ पे मैंने फ्लावर्स का यूज करा है और इसको पैटर्न में देंगे फ्लावर्स को और अपनी पेंटिंग बनाएंगे। बैकग्राउंड के लिए मैंने रेनबो की तरह लाइंस लगाई है और इसमें हम रेनबो कलर ही देंगे। अगर एक हमारे रेनबो कंप्लीट हो जाती तो हम अगेन दूसरा रेनबो शुरू कर सकते हैं, तो वो भी एक पैटर्न है हमारा। और उसके बाद जब हम पूरे शीट पे रेनबो का डिजाइन बना लेंगे पूरा यहाँ तक, उसके बाद मैं फ्लावर्स बनाऊंगी। अब फ्लावर्स हम कैसे बनाएंगे, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट करके, ठीक है। तो ये मेरा पैटर्न बन रहा है लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट, और ऐसे ही मैं फ्लावर्स बनाऊंगी। आप 4, 5, 6 कितने भी फ्लावर्स दे सकते हैं। फ्लावर्स बनाने के लिए मैंने एक छोटा सर्कल लिया, फिर उससे बड़ा सर्कल लिया, और फिर उससे बड़ा सर्कल लिया, और उससे बड़ा सर्कल लिया। तो मैंने 4 सर्कल बनाए। ऐसे ही मैं यहाँ पे बनाऊंगी 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, ये इनकी स्टेम हो गई, कैसे भी आप बना सकते हो। अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो है कि जो हमने फ्लावर्स बनाए हैं सबसे पहले उनको कलर करेंगे। इन चारों सर्कल्स में हम कलर देंगे, अलग अलग भी दे सकते हैं और दो कलर लेके हम रिपीट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने रेड येलो दिया, रेड येलो, ब्लू येलो, ब्लू येलो, ऐसे भी कर सकते हैं। चारों में हम अलग कलर भी दे सकते हैं। ये मैंने सन बनाया है, सन को भी वैसे ही मैंने बनाया है और इसमें भी आप अलग अलग कलर्स दे सकते हो। सन के आपने ऑरेंज दे दिया, येलो दे दिया, रेड दे दिया, और आप चाहो तो वो रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। जब हम इसको पूरा पेंट करेंगे तब सबसे पहले ये सर्कल हम पेंट करेंगे और फिर उसके बाद हम बैकग्राउंड में जो लाइंस है वो करेंगे। जैसे मैंने यहाँ से शुरू करा, रेड दिया, येलो दिया, रेड दिया, ऑरेंज दिया, येलो दिया, ग्रीन दिया, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, फिर मैं वो शुरू कर सकती हूँ। सो पहले हम इतना करेंगे, उसके बाद जो फ्लावर्स की पेटल्स है वो हम मार्कर से देंगे या आपके पास स्केच पेन हो तो स्केच पेन से देंगे। तो मैंने अपने फ्लावर्स को पेंट कर लिया है और सूरज को भी कर लिया है। यहाँ पे मैंने पैटर्न दिया है येलो, ऑरेंज, येलो, रेड, और यहाँ पे मैंने चारों सर्कल्स में अलग अलग कलर्स दिए हैं और इसमें पैटर्न है लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट। अब मैं जो ये रेनबो जैसा डिजाइन है इसमें रेनबो कलर करूंगी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और ये पैटर्न मैं आगे तक लेके जाऊंगी। मैंने इसको पेंट कर लिया है और आगे मैंने ब्राइट कलर्स रखे हैं और पीछे सेम कलर हैं पर उनके थोड़े से डल वर्जन रखे हैं ताकि हमारा फोरग्राउंड निकल कर आए। अब मैं मार्कर की मदद से इसको डिटेलिंग दूंगी। डिटेलिंग जैसे यहाँ स्टेम बनाया, लीफ बनाई, इसके फ्लावर्स के पेटल्स बनाए, सन में पैटर्न दूंगी मैं, तो इस टाइप की डिटेलिंग। स्केच पेन की मदद से डिटेलिंग की है। सन में मैंने पैटर्न दिया है डॉट और लाइन का, अंदर मैंने डॉट्स दिए दिए हैं, इधर भी मैंने लाइन और डॉट को मिला के एक पैटर्न दिया है और यहाँ पे भी एक पैटर्न दिया है। इसको हम डार्क कर सकते हैं अगर आप लगता है,
आप ऐसे भी कर सकते हैं, ब्लू पे डार्क ब्लू से करते हैं, जैसे मैंने यहाँ ग्रीन जो है डार्क ग्रीन से करा है। एक ये पैटर्न दिया है पेटल्स बना के, और उसमें चेक का डिजाइन दिया है। ये दूसरी तरीके की पेटल्स बनाई है मैंने, जिसका पॉइंटेड एज है और डॉट का पैटर्न दिया है। और इन सब चीज चारों तरफ आप ब्लैक से आउटलाइन दे सकते हैं, सिर्फ आउटर वाले सर्कल पे जिसपे हमने पेटल्स बनाई है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट पेटल्स का पैटर्न दिया है, और अंदर भी थोड़े से पैटर्न दिए हैं, सन में पैटर्न दिए हैं और बैकग्राउंड में पैटर्न है। तो ये एक हमारी पैटर्न बेस्ड पेंटिंग रेडी हो गई है।